is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सूफिया हुमायूं मुनीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, इस दफ़ा है लॉन्ग वीकेंड, तो कुछ प्लान बना केटी बंदरगाह का, तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स को भी अपने साथ लेके चलते हैं और केटी बंदरगाह की सैर करवाते हैं। इस वक्त सासी टूल प्लाजा इस वक्त क्रॉस कर लिया है और घारों की तरफ इस वक्त रवा दवा है हम। रास्ते में हमने देखा ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी का घारो कैंपस, जो कि हमें देख के काफ़ी हैरानी हुई कि यहाँ पे भी ज़ैबिस्ट का कैंपस मौजूद है। और जनाब, हम घारो जाएं और वहाँ पे कैफ़े इमरान पे रुक के कुछ खाना ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। व्यूअर्स, इसकी मैं आपको वजह भी बता देती हूँ, क्योंकि घारो के पूरे रूट में कैफ़े इमरान के अलावा और कोई इस तरह का रेस्टोरेंट नहीं आता। जी व्यूअर्स, अगर आप भी देखना चाहते हैं रास्ते के हसीन मनाजिर और केटी बंदरगाह, तो फिर चलें हमारे साथ। हमने रास्ते में बहुत खूबसूरत क्रॉप्स देखी और साथ ही हमें कैमल का कारवान नज़र आया, जो कि बहुत खूबसूरत मंज़र था। एकदम जो लश ग्रीन हम सीन्स देखते हुए आ रहे थे और एकदम से रास्ते में ये कुछ थोड़ा सा डेजर्ट जैसा लुक आ रहा था, लेकिन ये है नहीं डेजर्ट, जाहिर सी बात है। लेकिन कैमल्स इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे एक साथ चलते हुए लाइव पहली मरतबा देखे हमने। और ये लोग बता रहे थे कि ये काफ़ी माइल्स से ये ट्रैवल करके आ रहे थे इन कैमल्स को यहाँ पे पानी पिलाने के लिए। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम केटी बंदर पोर्ट पहुँच चुके हैं। पानी यहाँ पे बहुत साफ, बहुत खूबसूरत लाइट टर्कोइज शेड आ रहा है इसमें। यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स भी हैं जो यहाँ पे फिशिंग करते हैं ये लोग। कराची से केटी बंदरगाह का डिस्टेंस अराउंड 155 किलोमीटर है एंड इट टुक ओनली 4 आवर्स टू रीच देयर फ्रॉम कराची। ये हलवा है केटी बंदर का, मशहूर हलवा कहलाता है और ये असली घी का बना हुआ होता है। असली घी तो यहाँ केटी बंदर में तो शायद मुश्किल है, कहीं और से आता है। ये तोहफे तौर बाहर मुल्क भी जाता था किसी दौर में, अभी जो सऊदी आ जाते हैं लोग या उम्रे पर या हज पर। मैंने खुद गया, मैंने खुद लेके गया उधर, दोस्त बैठे हैं साकरों से वरी गारो तक जो था। ये जो बच्चे है ना सामने खड़ा है, उसको झींगे खाने का बहुत शौक है। मिलेंगे झींगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है भाई, इनको मछली और इसको केकड़ा खाने का शौक है। यही केकड़ा हमने आज तक नहीं खाया और सारे रास्ते ही हमारे को कहता हुआ आया है केकड़ा बड़ा अच्छा होता है, खाना खाना खाना। मैंने कहा नहीं भाई, सिंध के लोग बहुत मेहमान नवाज और ख्याल करने वाले होते हैं। उन्होंने हमें सिंध की बनी हुई अचरक भी तोहफे में दी और साथ में ज़बरदस्त लंच अरेंज किया हमारे लिए। जी व्यूअर्स, रोटियां सर्व हो गई हैं और ये रोटियाँ बहुत डिफरेंट हैं, चपाती और नान का फ्यूजन टाइप कोई चीज़ है। और साथ में सर्व हुई है ये फिश, फ्राइड फिश। ये हैं प्रॉन्स, जो कि इन्होंने प्रॉन हांडी और प्रॉन कढ़ाई की कुछ मिक्स रेसिपी से बनाया है, लेकिन जो भी बना हुआ था ये बहुत मज़े के प्रॉन्स बने हुए थे। और साथ में है मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी, जिसमें इन्होंने चाट मसाला डाला था और लेमन स्क्वीज़ किया था, जिससे ये और मज़े की बन गई थी। जी व्यूअर्स, हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर इतना मज़ेदार खाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी और इनके मज़ेदार खानों ने हमारा दिल खुश कर दिया। आफ्टर लंच इन्होंने हमें अपनी सी फूड मार्केट का भी राउंड लगवाया। केकड़े के साथ आपने ज्यादती की है, पुलिस वाला काम किया है। ये केकड़ा कितने का मिलता है? ये तो अभी पहले इसका रेट था 200 रुपए, अभी 150। क्या नाम है आपका? गुलजमीर। और कहाँ पर है इस वक्त हम लोग? केटी बंदर। केटी बंदरगाह में। तो आप क्या लेके आए आज? ये खेकड़े बिल्लू। ये अंडे, ये फीमेल है, ये मेल है।
मेल की अलग कीमत है, फीमेल की अलग कीमत है, क्या ख्याल है? तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे इनका? ये लोग अब यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ। तो कहाँ लेके जाते हैं? ये कंपनी, कंपनी में जाएगा। हाँ। और क्या हिसाब आजकल बेच रहे हैं, आजकल क्या रेट है? अब तो गर्मी है तो सस्ता हुआ होगा। नहीं, गर्मी में ये इसका रेट एक ही होता है। अच्छा, क्या रेट है इसका? ये बड़े का है 600, छोटे का है 200। 200 क्या? ये छोटा है ना, किलो, किलो के हिसाब से जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने सी शोर पे थोड़ी वॉक की। आइए ना, आइए आइए। नाम पर आपका मैं भूल गया। हां, नाम है हाजी उमर शोनारी के। आप हमें बताइए यहां पे क्या होता है? इधर जो ही होता है, शिकार करके मछली वाले इधर आते हैं, इधर मछली उतारते हैं, इधर वापस जो होता है उठाते हैं, फिर आओ फिर मछली उठता है। अच्छा, इधर लोग इधर इधर जेली फिश बनती है, इस पे चैलेंज जेली फिश बना के लेके जाते हैं बाहर, पता नहीं उसको खाते हैं क्या करते हैं। तो आपकी कौन कौन सी वैरायटी होती है? तक हलवा है, मोहनथाल है, मोहनी है। अच्छा, और क्या है किलो हिसाब होता है? 940 रुपए किलो है, 150 रुपए का डब्बा है। अच्छा जी, तो सब देसी घी में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये किस चीज का बना होता है? सस्ते का, गंदम का निशा नहीं होता। अच्छा ठीक है, मोहनथाल होता है, बेसन का बनता है। अच्छा जी, और ये बनती है। और ये क्या है? तो यानी कितने साल हो गए आपकी इस दुकान को? ये वो जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था ना। जी जी जी। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने पाकिस्तान बनने से भी पहले की एक स्वीट शॉप देखी, और यहाँ की मार्केट में हमने एक चीज नोट की कि हर कोई जो भी उसको हुनर आता था, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे, हर कोई काम कर रहा था। इतनी देर वहाँ हम रहे और इतने टाइम में हमने वहाँ पे कोई एक भी बैगर नहीं देखा, ये एक बहुत अच्छी बात थी। जी व्यूअर्स, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग मुनीफ टीवी।